It was you. मेरा हेलो खा गई हैं आप। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबके, और वेलकम बैक राजादर, एंड वेलकम बैक आप सबको हमारे एक और व्लॉग में, एक और वीडियो में। और कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम लोग मिर्दिफ जा रहे हैं, मिर्दिफ सिटी सेंटर। एंड वो ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि हमारे घर की चीजें तोड़ दी ऊपर से। अब आप कह रही मैम ने नहीं तोड़ी। आप वो बंदी है ना गिलास तोड़ के शादी की थी, क्या कर रहे हैं आप? एड्डी में राजा चला के आप तो जी माइक्रोवेव की वो जो अंदर डिश रखी होती है ग्लास की, वो टूट गई है और हमने सोचा जाके ले भी आते हैं। अच्छा, वो तो एक बहाना भी है, ज़रा घूम फिर आते हैं, थोड़ा सा चिल करेंगे। चिल क्या, मौसम इतना ठंडा तो है नहीं, बस क्या करें अब, जैसा भी मौसम है जो करना है। का मौसम अभी चेंज हुआ है थोड़ा, मतलब शदीद वाली गर्मी नहीं है उस लिहाज से, लेकिन फिर भी जब आप मॉल में जाते हैं, जैसे लाइक मैंने एक हुडी सी ऊपर पहन ली, आप इस तरह पहन के जा सकते हो क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा चिलिंग माहौल होता है। ये बताएं जी, आप गए हुए थे पाकिस्तान, तो कुछ शेयर करें हमारे साथ। देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान गया था शूटिंग के लिए, और जाने जहाँ की शूटिंग, और जाने जहाँ का 1 दिसंबर से प्रोमो भी आप लोगों की स्क्रीन पे होगा, और फिर ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑन एयर हो जाएगा। अच्छा ड्रामा है, बहुत डिफरेंट सा लव स्टोरी और एक्शन इसमें आपको मिलेगा अच्छी कास्ट के साथ। मेरा काम जाहिर है अभी जो लास्ट स्पेल है उसके 3 से 4 डेज़ का काम रह गया, बाकी ऑलमोस्ट सब डन हो गया। वो पैच वर्क जो होता है वो रहता है, बाकी सब डन है। तो देखें मज़ा आएगा आपको सबको, ARY डिजिटल पे हर हफ्ते देखना ना भूलिएगा, देखना ना भूलिएगा। और कोई अंदर की खबर शबर सुनाए? वो मैं नहीं सुना सकता। आपके पास तो बहुत सारी खबरें होती है ना, जो बाद में भाई, जो लोगों के पास बाद में पहुंचती है वो तो आपके पास पहले से होती है। कोई हिंट दे दे, खबर अगर पूरी नहीं सुनाते तो कोई हिंट दे दिया करें, क्या होने वाला है? बहुत हैंडसम सा बंदा, लंबा चौड़ा, यूट्यूबर भी है, वो गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है। कैसी कमाल की खबर। और इसी महीने दिसंबर में ही आपको, और जनवरी में, जनवरी 25 से पहले पहले दो बड़ी तलाकों की खबर आने वाली है। मीडिया के बड़े स्टार्स हैं तो उनकी खबर आपके सामने। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है जी, ये खबर है, न्यूज़ है, वो तकरीबन हो और ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन मैं पहले 1.5 साल पहले कर चुका हूँ, और ये जाहिर है मैं नाम नहीं लूंगा वो। अच्छा, उससे ये भी होता है, कुछ लोग कहते हैं जी आप तलाक की प्रेडिक्शन, देखें तलाक तो अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा फेल है, मगर जहाँ जुदाई की बात आती है तो वहाँ जुदाई की बात की जाती है, वहाँ पर ऐसा तलाक का नज़र नहीं आता कि तलाक हो जाएगी। मगर जब दो लोगों में जुदाई का आप देखते हैं स्टार्स में, ये आपको नज़र में आता है, तो हमारे यहाँ पर जो है उसको तलाक का वो लिया जाता है उस तरह, लेकिन वो ब्रेकअप होता है या उसको सेपरेशन में भी डालते हैं, लेकिन क्योंकि जब वो बड़े अरसे के लिए उसमें एक गैप आ जाए, नॉर्मली होता है 12 से 14 महीने का, अगर आपका सैटर्न या जुपिटर के बीच में कुछ स्टार और इन हो रहे हैं और उसमें गैप है, तो उसका मतलब ये कि वो तलाक ही समझी जाती है। और वो बड़े कम खुश नसीब ऐसे होते हैं जो इतने महीने रह लेते हैं दूर दूर। वो अभी तो यही माहौल हो गया ना कि शादी के ऊपर आप लाखों क्या बल्कि करोड़ मेरे ख्याल अब तो लग जाता होगा आराम से, जब लाखों तो वो लगा लेते हैं, लेकिन गुजारे जो है वो 2 दिन भी नहीं होते, और 2 दिन बाद ब्रेकअप हो जाते हैं और रास्ते अलग हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तरबियत की कमी है
माँ बाप जो है वो अपने औलाद को अपने बच्चों को सिखाते नहीं है कि आपने घर बसाने कैसे है, आपने रहना कैसे है। अगर ये काउंसलिंग होनी शुरू हो जाए ना कि आपने मेकअप कहाँ से करना है या लहंगा गरारा कहाँ से होना है या आपने जाके इवेंट कितने करने हैं, अगर उसकी बजाय ये काउंसलिंग हो कि आपने रिश्तों को कैसे निभाना है, कैसे लेके चलना है लड़का लड़की दोनों के लिए, तो फिर शायद ये वाले मामला ना हो, क्योंकि अभी ना शराब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में, शायद बर्दाश्त कम हो गई है, यही वजह है ना, तो ये भी मामला होता है। और जी कुछ लोगों की शादियां भी होने वाली हैं और वो मेरी तरफ मत देखना, कुछ लोगों की शादियां होने वाली हैं, एड्डा मैं खुश नसीब है, मैं दिल खुश ना किया करो बहाने बहाने से, एड्डी मैं खुश नसीब कि आप मेरी जान छोड़े राजा दर। तो एक बड़े सेलिब्रिटी हैं जी जिनकी अलहदगी हो चुकी थी और अब जो है उनमें से कोई एक जो है दोनों पार्टी में से कोई एक शादी करने वाला है, तो ये भी एक आपके लिए खबर है। मैं सोच रही हूँ ऐसे वाले व्लॉग में शुरू कर दूँ, है ना, जो नाम लेके शुरू करूँ ना, फिर वो है कोई है ये नहीं, नहीं ये नहीं करूंगी, फिर तो नाम मैं तो नहीं ले सकता, फिर हम आपको अंदर की खबरें सुनाएंगे, रोस्टिंग करेंगे, और हम जो है जो भी नजर आता है जो कुछ भी हम देखते हैं आजकल खास तौर पर बहुत क्रैप बहुत फजूल बकवास कुछ ऐसा चल पड़ा है सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे टिकटॉक पे, तो वो फिर हम खुल के बातें करेंगे जी। तो आज तो ऐसे ही चिट चैट आपसे करना चाह रहे थे, गपशप करना चाह रहे थे थोड़ी देर के लिए। और बाकी राजा इधर आप क्या कहेंगे, वो जो आप शुरू में इब्तदाइया आपका जो है वो लोग बड़ा कह रहे हैं, मुझे बहुत सारे ईमेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि हम तो इब्तदाइया और शायरी जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो आप तो टू द पॉइंट, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई टू द पॉइंट की, लेकिन वो जो देखना चाह रहे हैं वो सिर्फ अपने हद तक ही उसको रखते हैं। हमारा मकसद YouTube पे आने का ये है कि वो जितना फैले, जो भी हम कह रहे हैं कंटेंट फैले, यहाँ नेगेटिव कंटेंट तो बहुत जल्दी फैल रहा है लेकिन पॉजिटिविटी आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, हम क्यों बताएं किसी को, किसी को पता ना चल जाए कि हम आपको फॉलो करते हैं, मालूम नहीं इसमें कौन सी इंसल्टिंग बात है जो आप लोग आगे नहीं बताते, लेकिन इसी वजह से मैंने ख़त्म कर दिया। और अब जब मेरा दिल होगा मैं थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें डाल दिया करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक कि मेरा एक खास टारगेट पूरा हो जाएगा कि मुझे इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए और आप लोग ज़्यादा उसे फॉलो करोगे, बल्कि हम दोनों के चैनल पे आप लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, व्यूज़ दें और शेयर भी करें। अगर इन्हीं आने वाले दिनों में सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा अपने उसी वाले जो है सेगमेंट पे आ जाएं। लेकिन अभी अगर आप कहते हैं तो हम बिल्कुल ये नहीं करने वाले और कर लेंगे जल्दी। तो अभी जी हम जा रहे हैं मॉल, तो बाकी की बातें मॉल में हो जाएंगी। हमने सोचा वो इब्तदाइया जो वीडियो में नहीं हो रहा यहाँ पर थोड़ा सा इब्तदाइया हम करें और फिर उस पर बात करें और डिफरेंट टॉपिक्स पे, आपको पता है हम बात करते हैं अपने शोज़ में भी, मैं भी बहुत अपने शोज़ में हर तरह के टॉपिक को छेड़ती हूँ, बात करती हूँ और बात करते रहना चाहिए। वो जब हम कुछ भी बुरा देखते हैं, कुछ भी गलत चीज़ देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना तो किसी यूट्यूबर से, टिकटॉकर से या किसी भी हमारे किसी भी बंदे से, किसी औरत से, मर्द से हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफ है, दुश्मनी है, कुछ भी है, कुछ ऐसा नहीं होता। मगर हाँ एक मामला ये होता है क्योंकि हम अब एक बरादरी हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम उसको पॉइंट आउट कर देते हैं, ताकि जैसे बहनों में आपस में होता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो हम कहते हैं आप ये चीज़ ठीक कर लें, ये वाली चीज़ ऐसी होनी चाहिए, आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो कभी कभी उसको मोहब्बत के वे में भी लिया करें, हर कोई सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं होता, कभी कभी तनकीद बराए इस्लाह भी होता है, तो वो वाला चीज़ भी है। रश बहुत ज़्यादा है जी, काफ़ी ज़्यादा रश जाने वाले ज़्यादा है। हाँ क्योंकि वापस जो छुट्टी टाइम है, आज वर्किंग डे है ना एक्चुअली। हाँ जी वर्किंग डे है और कल से छुट्टी है, कल खास तौर पे शारजा में छुट्टी है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ ये रोड जो जा रहा है तो अबू धाबी जा रहे हैं, जबले जेश, जबले अली और तमाम वो जगह जो है यही वाला रास्ता है, तो इस रोड पे भी आपको आज ज़्यादा रश है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये धूप छांव आ रही है हमारे चेहरों पे, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ कैमरा पकड़ के बैठ जाएं तो किस्सा है ज़िंदगी धूप में घना साया इतनी खुशनुमाई मुझको खुद पसंद ही अच्छी नहीं आती
तो ये ख्याल आया। देख लें जी लोगों, देख लो। तो चलें बाकी का व्लॉग बनाते हैं जी मॉल में, और आपसे मुलाकात होती है मॉल में। तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक। हेलो, हेलो, क्या कर रहे हैं? मैं बस जरा ग्रोसरी कर रहा और खाना नहीं खाएंगे अभी? नहीं खाना चाहता मैं खाना। अच्छा, मैं बिल्कुल खाना। और आए कहाँ हैं हम? मिर्दिफ मॉल आए हैं। मिर्दिफ मॉल, मिर्दिफ पी एफ चैंग है सामने हम, लेकिन चैंग चुंग नहीं खाना चाह रहे। दिखा देते हैं जी पी एफ चैंग में। तो मेन गेट से दाखिल हो जाने के बाद आप एक जगह पहुंचते हैं जहां से एलिवेटर लेकर आप ऊपर जाते हैं। क्या करते हैं? ऊपर जाके खाना खाते हैं। इतनी जल्दी खाना किधर से आ गया? अभी तो दुकानें देख रहे हैं हमसे। भूखों वाली बातें नहीं करते, भूखों वाली बातें नहीं। घर से समझा के ले जाता हूँ आपको मैं। और ये कौन सा मॉल है बताया किसी को? मिर्दिफ मॉल, जहाँ का आपने बताया था कि हम आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझी क्या कोई नया व्लॉग है। वाह वाह, व्लॉग ही कर रही हैं आप। जागो जागो सुबह हुई जी। ये मिर्दिफ सिटी सेंटर है, अच्छा मॉल है, बड़ा मॉल है। और यहाँ पर मिक्स आपको शॉपिंग मिलती है। अगर आपको बहुत ज्यादा महंगा ब्रांड होते हैं तो वहाँ पर कुछ आपके वो पॉकेट फ्रेंडली जो है ना, वो भी चीजें आपको मिल जाती हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे भी मिल जाते हैं, बच्चों के कपड़े। छतें बड़ी खूबसूरत थी इनकी। एक जगह है जहाँ पे खजूर के दरख्त लगे हुए, ये उसके टॉप वाली जगह है। यहाँ नीचे कॉफी शॉप्स भी हैं, काफी सारी ब्रांड है, मेकअप की दुकानें हैं। जहाँ जब आप आओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम कहाँ से चाती मार रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ फर्नीचर की शॉप्स भी हैं। फर्नीचर अच्छा है, थोड़ा यूनिक सा है। आइडियाज मिल जाते हैं आपके के घर में आपने किस तरह से करीना कपूर से सजाने, मतलब करीने से। लेकिन यह कि जरा एक्सपेंसिव थे, आम जो है लोगों की पहुंच से बाहर। हाँ, कॉफी शॉप, कॉफी मशीन्स, अगर आप कुछ लेना चाहो यहाँ पे आपको हर तरह की शॉप मिलेगी। और फर्नीचर की सिर्फ एक दुकान नहीं है, कुछ बहुत महंगे ब्रांड वाली हैं। कि अच्छा, महंगे ब्रांड वाली का क्या चक्कर होता है? मतलब वो सोफे पे बैठो तो खुद ब खुद उड़ना शुरू हो जाता है क्या? हाँ, ऐसा तो है ही ना, बस नाम, नाम की कीमत होती है, यही तो बात है। और यही जब आप बाहर लोकल शॉप्स वगैरह से खरीदें तो आपको सस्ता मिल जाता है। और ये ऊपर वाला फ्लोर है, नॉर्मली ज़्यादातर लोग ऊपर आते हैं। ऊपर फूड कोर्ट भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स भी हैं, यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। ये सोफ़ा भी बहुत अच्छा है, इस पर आप बैठ के अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ ये देखो, ये इतना महंगा चूल्हा है कि बंदा के बस इन्हों रह नहीं दे तो सी। किचन की चीज़ें हैं नीचे, कारफोर है जहाँ से आप अपनी ग्रोसरी कर सकते हो। अगर आप आए हो तो आपको भूल गया हो मैं कुकड़ी लेनी सी, तो कुकड़ी भी ले सकते हो। मैक स्टोर है, मशहूर है, कभी इस पे सेल होती है और कभी इस बराए नाम सेल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सफाई सुथराई बहुत ज्यादा होती है, लगता है आप करवाती हैं सारा काम। सारा काम मैं करवाती हूँ। हाँ, सफाई देखें, नसफ ईमान है तो फिर सफाई जरूरी है ना। ज्वेलरी, स्टोन्स, अगर आप अपने किसी प्यारे को कोई चीज लेकर ना देना चाहो तो प्लीज ना देना। नहीं, लेके देना चाहो, लेके देना चाहो। अच्छा, मैं गलती से बोल गया। और लिपस्टिक के बहुत सारे शेड्स, अब बड़े टीवी आजकल जो आए हुए हैं लेटेस्ट डिजाइन के, उसकी शॉप्स भी आपको मिलेंगी। बच्चों के खिलौनों की लेगो शॉप बड़ी मशहूर है यहाँ, हर मॉल में आपको नजर आएगी, वो आप ले सकते हो। और लेगो शॉप जाहिर है, उसके अलावा बच्चों के जो बैग्स होते हैं स्कूल के, कपड़े, बच्चों की प्रोडक्ट ज्यादा महंगी होती है। क्यों? पता नहीं क्यों, ये खाने के आ गया जी, यानी फूड कोर्ट आ गया। हाँ, मतलब बड़ी दुकानें हैं। और जो बड़े बच्चे हैं वो यहाँ से फुटबॉल का छोटा छोटा सा ग्राउंड है, ये भी रेंट पे लेके खेल सकते हैं। तो बस ये मॉल इसी तरह का है जिसमें आपको हर तरह का ब्रांड, हर तरह की चीज मिल जाती है। तो मैम, HM से तो आपने अभी कुछ नहीं लेना क्योंकि आप UK से लेती रहती हैं चीजें। ये UK का मेरा ख्याल ब्रांड है। हाँ, तो चलिए फिर खुदाफिज करते हैं जी। कर देते हैं खुदा हाफिज, और खुश रहें, सलामत रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक दिया करें, शेयर किया करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज सपोर्ट प्रमोट भी करें, हम इतने अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं बट आप लोग ज्यादा व्यूज नहीं देते। तो सलामत रहें, खुश रहें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अच्छा, इतनी जल्दी अल्लाह हाफिज? मैंने तो कहा था कोई पैगाम दें, आपने तो अल्लाह हाफिज वाला पैगाम दे दिया। पैगाम यही है कि जी आसानियां बांटे ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां करे, और खुश रहें और खुश रहने दें। थैंक यू, और आपसे इजाजत लेते हैं।
अल्लाह निगेबान।